नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हर साल असम से बाढ़ की खबरें आती हैं, हर साल वहाँ पे बहुत सारा नुकसान होता है। हम सुनते भी हैं, खबरों में देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी तक शायद नहीं पहुँच पाते। तो यही ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए कि असल सिचुएशन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है और ग्राउंड पे काम क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए मैंने बेदाश्री से कॉन्टैक्ट किया। आप लोग ये इंटरव्यू पूरा देखिएगा, आपको भी ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ अलग बातें, कुछ नई बातें पता लगेंगी और शायद मैं और आप मिलके कुछ हेल्प कर पाए। तो बेदाश्री, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ रहते हैं और आपका ऑक्यूपेशन क्या है। मैं असम से हूँ। मैं असम में रहती हूँ पर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ कोलकाता में। मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट्स कर रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ। ओके, तो आज इस इंटरव्यू का पर्पस मैंने आपको बताया भी था, मैं यहाँ पे भी आपसे पूछ लेता हूँ, जो फिलहाल कंडीशंस हैं असम में या बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वो क्या कंडीशंस हैं, कितना नुकसान हमारा हो चुका है? अच्छा, तो अभी हम अभी भी पूरा मतलब मॉनसून के कंप्लीट मॉनसून अभी नहीं आया है। अभी हम मिड मॉनसून में है, फिर भी अभी 27 आउट ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स पूरा फ्लड्स में है। इट्स पूरा सबमर्ज हो गए हैं और ब्रह्मपुत्र का पानी डेंजर लेवल से बहुत ऊपर चला गया है। अभी करेंटली 70 लोग अपना जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग अभी इफेक्टेड हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो कंडीशन उभरी है, इसके इमीडिएट रिलीफ के लिए हमारी अथॉरिटीज ने कुछ किया अभी रिसेंटली? हर साल ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि स्पेशल कुछ उन लोगों को मिलता है। हर साल बस वही वो लोग जो लोग मतलब अपना जान गंवाते हैं, उन लोगों का किनशिप को, उन लोगों को फैमिलीज को, वो लोग बस एक अमाउंट दे देते हैं और वो लोग समझते हैं कि इतना में ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। पर असल में और अभी अभी तो कोरोना वायरस से पेंडेमिक चल रहा है, तो रिलीफ कैंप्स भी बहुत रिलीफ कैंप्स में पूरा मतलब इट्स डिफिकल्ट टू बी लाइक मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेक द पीपल टू द रिलीफ कैंप्स। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया है अभी। अच्छा, रिलीफ कैंप्स का आपने बात किया, तो क्या वहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं या फिर विमेन हैं या फिर किड्स हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट्स हैं या बस रिलीफ कैंप के नाम पे एक ही वो बना दिया गया है? मतलब अभी डिसेबल्ड फिर विमेन बच्चे, उनके लिए कभी स्पेशल मतलब फैसिलिटीज नहीं होते हैं, वो लोग बस मतलब वैसे ही मतलब अभी तो इतना खराब सिचुएशन हो गया है कि रिलीफ कैंप बनाना भी कठिन हो गया है। तो बस उसी में ही एक ही रिलीफ कैंप में ही जैसे तैसे वो लोग मतलब सब लोगों को कुछ मतलब सम हाउ दे जस्ट ट्राई टू यू नो ब्रिंग द पीपल टू द रिलीफ कैंप्स ताकि उन लोगों का जान ना चला जाए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का पानी का लेवल इतना ज्यादा है और आप लोग आप जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। तो मतलब अभी दे आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्रिंगिंग द पीपल टू द रिलीफ कैंप्स। ओके, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है कि रिलीफ कैंप में डिस्क्रिमिनेशन होता हो, वीआईपी कल्चर वहाँ पे भी हो कि आपके नॉन है तो आपको ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली जो गांव के लोग हैं मतलब अभी लो लाइंग एरिया जो एग्रीकल्चरल लैंड्स है जो ब्रह्मपुत्र के पास होते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है वो लोग ब्रह्मपुत्र के पास अपना मतलब वो लोग वहीं पे रहते हैं क्योंकि पानी से उन लोगों को सुविधा होता है। तो वो जो मतलब उन सब लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं होता है, बट अच्छे से डिलीवर नहीं होता है जो मतलब फैसिलिटीज है वो, क्योंकि वो लोग मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं है, इन्फ्लुएंशियल नहीं है वो लोग, वो नॉर्मल मतलब साधारण लोग है, तो वो कभी अच्छे से फैसिलिटीज डिलीवर नहीं हो पाती है। अच्छा, ये फैसिलिटीज डिलीवर नहीं हो पाती, इसमें फॉल्ट किसका है? इसमें फॉल्ट आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट का है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमको बहुत सारा फंड्स मिलता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमें हमेशा एक सौतेलापन महसूस होता है मेनलैंड इंडिया से, तो कभी हमको सेंट्रल से ऐसा बड़ा फंड रिलीफ नहीं मिलता है। जैसे ये जो अम्फान हुआ था तब मोदी जी ने तुरंत मतलब एक दिन के अंदर 1,000 करोड़ या फिर 1,000 करोड़ का उन लोगों को रिलीफ दे दिया था, पर हमको वैसा कुछ नहीं मिला। हमको बस मतलब 2 लाख या फिर ये जो लोग मतलब अपना जान गंवा चुके हैं उन लोगों को मिला है, तो रिलीफ के लिए हमको नहीं मिलता है पैसा। फिर भी गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है वो मतलब हर साल ये ऐसा फ्लड जाता है, तो ऐसा एक अच्छा मेजर लेना चाहिए ताकि ये ना हो पाए, लोग नहीं इतना हर साल इतना लोग नहीं मर पाए।
पर वैसा कुछ होता नहीं है, तो गवर्नमेंट इज लैकिंग इन मेनी वेज एक्चुअली। अच्छा, जो मेनलैंड की आपने बात की, मेनलैंड इंडिया की, मैं खैर इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से सारा इंडिया एक है, लेकिन ये क्या कॉन्सेप्ट है आपकी नजर में, जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हैं उनकी नजर में ये मेनलैंड क्या है और क्या डिफरेंसेस है? एक्चुअली हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो मेनलैंड है और हम अलग से कुछ है। हम खुद को भी इंडियन समझते हैं, हम समझते हैं कि हम भी सब पूरा एक पूरा भारत का हम एक मतलब पार्ट है, लेकिन हमको हमेशा एक सौतेलापन महसूस होता है क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो मेनलैंड से थोड़ा अलग है, हमारा फूड हैबिट्स अलग है, जो लोग मतलब लोग समझते हैं कि हम उनसे अलग है क्योंकि उन लोग दे आर नॉट अवेयर ऑफ अस। जब आप किसी चीज को जानते होंगे, when you do not know something then you are scared of it, तो उन लोग को लगता है कि हम उनसे अलग है, पर असल में वो हमें कभी they are not taught about us, तो हमेशा वो लोग हमें कुछ अलग समझते हैं। आपके मतलब जब आप बोल रहे हैं कि मेनलैंड का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, पर हम लोगों को ऐसा फील होता है कि मतलब हमें कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब we are not exactly given the attention we deserve like in situations like this। आपको लगता है कि सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता बाकी इंडिया को और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को? अच्छा, ये एक्चुअली ये कि ये सिर्फ मतलब मेरे जैसे हम लोग करते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी करते हैं? क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है या फिर हमारे अदर जो ऑफिशियल्स हैं वो तो सारे देश के लिए है ना। ये सिर्फ लोगों का नजरिया नहीं है, ये गवर्नमेंट मतलब हमको नहीं मालूम कि गवर्नमेंट, हमको तो लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा करता है क्योंकि आप देखिएगा जब 2000 मैंने एक एक्चुअली डेटा बनाया है, जब 2000 जब 2020 में उड़ीसा और कोलकाता में ये फ्लड आया था, मतलब अम्फान आया था, पूरा स्टेट वाज इन अ टर्मोइल, तब उन लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। पर अभी ये जो असम में हो रहा है वो हर साल होता है, हम मतलब हर साल लोग मरते हैं, लाखों लोग अपना फैमिली से अलग हो जाते हैं, अपना घर बार उन लोगों का पूरा खराब हो जाता है, फिर भी हमें ऐसा कुछ मतलब रिलीफ फंड सेंट्रल से नहीं मिलता है। आपको मालूम होगा 2014 में उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़ा फ्लड आया था, उस समय पूरा नेशन ने उस न्यूज को बहुत बड़ा हर न्यूज चैनल में उसको दिखाया था, गवर्नमेंट पूरा मतलब दे गिव देयर फुल सपोर्ट एंड फुल रिलीफ फॉर दैट, बट वी नेवर गेट दैट सॉर्ट ऑफ अ यू नो रिलीफ और दैट सॉर्ट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द मेनलैंड, दैट इज व्हाई वी फील दिस वे। वो लोग ऐसा हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि वो लोग हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की और जम्मू की जो आपने बातें की, तो वहां पे मैंने ये भी नोटिस किया था कि जैसे ही ये खत्म हो गया था फ्लड वाला सीन, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन बहुत तगड़े तरीके से बहुत तेजी से हुआ था। क्या ऐसा कुछ हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में होता है? नहीं होता है, मतलब हर साल लोग ऐसे अपना घर बार उन लोगों का बाढ़ में बह जाता है, पर उन लोगों को कभी उसके लिए अप्रोप्रिएट फंड्स नहीं मिलते हैं। हमारा जो असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, उन लोगों के हिसाब से तीन तरीके के रिलीफ्स होते हैं, एक है इमीडिएट रिलीफ्स, एक होता है शॉर्ट टर्म रिलीफ्स, एक होता है लॉन्ग टर्म रिलीफ। तो इमीडिएट रिलीफ में ये रिलीफ कैंप्स, फिर उन लोगों का खाना वगैरह, उन सब में आप देखेंगे जो ये एनजीओस वगैरह है वो लोग सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग करते हैं। यहाँ के लोकल लोगों को अरेंज करना पड़ता है फ्लड्स के लिए रिलीफ कैंप्स, वैसे पुहार फाउंडेशन, वैसे बहुत सारा फाउंडेशन है जो इन सब में वो करता है, पर गवर्नमेंट से हमको वैसा कभी नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो लॉन्ग टर्म रिलीफ है, आज तक कोई लॉन्ग टर्म रिलीफ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है, और शॉर्ट टर्म रिलीफ के नाम पे वो लोग बस एम्बार्कमेंट बनाते हैं। उन लोगों को अच्छे तरह से मालूम है कि जो ये एम्बार्कमेंट बनाते हैं, ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है, वो हर साल ये एम्बार्कमेंट बनाते रहते हैं, हर साल ये एम्बार्कमेंट टूटता जाता है, तो उन लोगों को कुछ अलग दे विल हैव टू कम अप विद समथिंग एल्स व्हिच एक्चुअली वर्क्स। तो ओके, बेदाश्री जब हम बात कर रहे हैं, बार बार ये बात आ रही है कि ये हर साल होता है, इट रिपीट्स एवरी ईयर, तो क्या इसका एक्चुअल रीजन हमें अभी तक पता है कि ये हर साल क्यों होता है? इसमें बहुत सारा मैनमेड और नेचुरल रीजंस है, तो मैं आपको एक बार बोलना चाहूंगी, जो ब्रह्मपुत्र जो आता है वो तिब्बत से आता है,
तो टिबेट का जो हाइट है टिबेट प्लेटू का, इट इज 4.5 किलोमीटर अबव द सी लेवल, और वो असम में एंटर करता है डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ है 108 मीटर्स, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत हाइट से नीचे आता है। तो जब वो बहुत हाइट से आता है तो उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का स्पीड बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, और ब्रह्मपुत्र एक बहुत अनस्टेबल रिवर है। मतलब जब 1950 में एक बहुत बड़ा असम टिबेट अर्थक्वेक हुआ था, उसके बाद ब्रह्मपुत्र अपना कोर्स चेंज कर दिया था, तो उसके बाद रिवर और भी अनस्टेबल बन गया। तो एक तो एक रीजन है कि ब्रह्मपुत्र बहुत अनस्टेबल है, बहुत उसका करंट बहुत ज्यादा है। ऊपर से अभी लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो डीप आपको मालूम होगा कि कैसे पेड़ होता है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, लैंड इरोजन नहीं होता है, तो लोग इतना पेड़ वगैरह काट रहे हैं। लोग हमारे यहाँ ये जो रीजन है पूरा हिली है, तो लोग हिल्स काट रहे हैं। उसके वजह से ये मतलब मैन मेड कॉजेज है जो ये फ्लड सिचुएशन में कंट्रीब्यूट करता है। ऊपर से ये जो अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ है, लोग बस पेड़ काटते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है वो प्रकृति को बहुत इफेक्ट करता है। तो ये सब जो रीजंस है, सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है टुवर्ड्स दिस फ्लड। और ये एक नोटवर्दी थिंग है कि जो 1950 का फ्लड है उसके पहले 1950 का अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक है, उससे पहले फ्लड्स बहुत ओकेजनल रीजन, मतलब बहुत सिलेक्टेड ईयर्स में आया था, पर उसके बाद 1950 का जो ये अर्थक्वेक था उसके बाद फ्लड्स बहुत फ्रीक्वेंट बन गई। ओके अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि मुझे कहीं पढ़ा था मैंने कि चाइना ने एक डैम बनाया ब्रह्मपुत्र पे, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? क्या वो लोग ऐसा कुछ करते हैं कि कभी अचानक से पानी छोड़ दिया, या फिर परेशानी होती है उससे कुछ? एक्चुअली ये जो चाइना ने फ्लड डैम बनाया था वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था। तो पहले तो चाइना ने मतलब दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट उन लोगों ने डैम बनाया था। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने अनऑफिशियल समिट किया था मोदी जी ने, तो उसके बाद दे एक्सेप्टेड कि हाँ उन्होंने डैम बनाया है। पर उन लोगों ने ये भी बोला है कि ये डैम जो है वो बहुत छोटा, मतलब इट्स अ स्मॉल स्केल डैम, तो ब्रह्मपुत्र का पानी दे वॉन्ट इफेक्ट, और डाउन स्ट्रीम में मतलब हमारे पास कितना पानी आएगा वो भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हम जितना मतलब हम लोगों को लगता है ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोग पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कॉमन है कि मॉनसून के टाइम पे बहुत बारिश होता है, तो बारिश के वजह से हमारा फ्लड लेवल मतलब वाटर लेवल डेंजर लेवल से ऊपर चला जाता है, और ये वन ऑफ द मेन रीजंस है। हाँ, हो सकता है मतलब ये पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स का कुछ होता है, पर आई डोंट थिंक कि चाइना मतलब डैम का पानी छोड़ती है वहां से। अगर हम ऊपर से देखें, लीगली देखें, तो जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वाटर को लेके वो फॉलो हो रहे हैं। हाँ, मतलब पहले तो चाइना ने मना कर दिया था कि वो लोग अपना वाटर कितना वाटर लेवल वो कर रहे हैं, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से। पर 2010 में उन लोगों ने ट्रीटी किया, उसके बाद इंडिया को साल में 2 बार वो पूरा डेटा देते हैं कि कितना पानी वहां से वो लोग वो कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी उससे बना रहे हैं, वो सबका मतलब पूरा वो आता है इंडिया को। ओके, एक और हुआ था बेदाश्री, ब्रह्मपुत्र की सफाई का काम, उसे डिजिलेशन बोलते हैं, जो कचरा होता है, जो मड होता है, वो निकालने का काम हुआ था। उस पे काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ था, उसका कुछ फायदा हुआ, उसने कुछ काम किया? मतलब ब्रह्मपुत्र जो है रिसेंटली क्या हुआ था, ये डैम के टाइम पे ही ब्रह्मपुत्र में बहुत सीमेंट आ गया था ऊपर से। मतलब ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो लेवल से ज्यादा मडी हो गया था और उसमें बहुत सीमेंट आ गया, तो उसका पूरा जांच वगैरह करवाया गया तेजपुर में। तो तब उन लोगों को एक्चुअली पता चला कि पानी में सीमेंट और मिनरल का जो क्वांटिटी है बहुत हाई हो गया है। तो वो लोग वो डिस्टिलेशन करवाना चाहते थे, पर इन सब का कोई ऑफिशियल नोटिस वो लोग नहीं देते, मतलब ऑफिशियली, क्योंकि हम यहाँ के सिटीजन है तो हमको जानने का ये अधिकार है कि कितना मतलब वो जो फंड्स आया वो किसमें खर्च हुआ, वो कितना मतलब हाउ मच इफेक्टिव इट वाज, बट वी नेवर एक्चुअली गेट अ यू नो क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ इफेक्टिव इट वाज, बिकॉज वी आर नेवर यू नो इन्फॉर्म्ड बाय द अथॉरिटीज कि कितना कितना काम हुआ। पर ये जो टेस्टिंग वगैरह हुआ वो न्यूज में आया था, और हमारे यहाँ के मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया था कि ऐसे ऐसे मिनरल क्वांटिटी मिनरल का वो राइज हो गया है। तो ऑन डॉक्यूमेंट्स काम हो रहा है, लेकिन पब्लिक को प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया जाता। एग्जैक्टली, हाँ। ओके, तो एक सवाल मेरा यहाँ पे और है।
कि हर साल ही होता है, अब हमें पता लग गया कि हर साल होगा ही होगा, तो क्या हमने कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि पहले से इन्फॉर्म किया जा सके लोगों को कि इस बार इस लेवल का होने वाला है ये फ्लड, हमें ये तैयारी करनी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है. और ये वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट्स है पीपल का, क्योंकि अभी इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, तो अगर पहले ही लोगों को पता, ऐसा होता है कि हम लोगों को मालूम होता है कि अभी मानसून, लोगों को मतलब मालूम होता है कि अभी मानसून आ रहा है तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो लोग देख रहे हैं कि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर गवर्नमेंट से उनको कभी ऐसा नोटिस नहीं आता और ना ही ऐसा कोई मतलब प्रॉपर मेजर लिया है जिससे ये हर साल नहीं हो. हाँ, हमको मालूम है कि ये नेचुरल कैलामिटी है, पर हम उसका जो डैमेज है वो हम एक लिमिट तक हम उसको कंटेन कर सकते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता है कि हमको गवर्नमेंट पहले ही बता दे या फिर हम लोगों को पहले नोटिस कर दे कि ऐसा इस बार इतना लेवल का वो होगा, हमको इतना लेवल में यू नो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अथॉरिटीज ने कुछ भी सीखा नहीं है इतने सालों में. हाँ, इतना सालों में इतना बार होता है, पर ऐसा कभी हमको नहीं लगा है कि कोई प्रॉपर मेजर लिया है या फिर उन लोगों ने ये सीरियसली लिया है. हमको हमेशा लगता है ये लोग हमेशा एक बहुत कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं इस पूरा सिचुएशन के तरफ. अच्छा, आप लोग जो हैं, लोकल लोग हैं या फिर कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपने मुझे बताया अभी, इन लोगों ने कुछ किया है इस साइड में कि हम कुछ तैयार रह सकें पहले से, या फिर कोई ऐसा तरीका जो इन्होंने खोजा हो जो थोड़ा बहुत रिलीफ देता हो इसमें? ऐसा तो कभी नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि हमको पहले पता चल जाता है. हम लोग बस मतलब ये हमारा, हम एक, ये सब बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इतना लार्ज स्केल कुछ करना उन लोगों के हाथ में नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं. जो लोग ऐसे फंसे हुए हैं उनका खाना पीना नहीं है, हम उन लोगों को बस खाना पीना वगैरह हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब उन लोगों को तक पहुंचा सकते हैं. उससे ज्यादा हम नहीं कर पाते हैं, पर जैसा ऐसा हो रहा है मतलब ये आपने एक बहुत अच्छा बात बोला, वी माइट थिंक अबाउट समथिंग जिससे मतलब हम पहले से कुछ प्रिपरेशन कर पाए. हाँ, क्योंकि वो जरूरी है ना, हमें पता है ये हर साल हो रहा है और होगा. वैसे तो ये जिम्मेदारी अथॉरिटीज की बनती है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो शायद हम कुछ लोकल लेवल पे कर सकें. और आप जैसे बता रहे हो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इन पे आपको पूरा भरोसा है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इनके पास जो फंड्स आते हैं वो पूरी तरह से यूज होते हैं? हाँ, ये हम बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोकल लोग हैं, इन लोगों ने देखा है कि लोग हर साल कैसा सिचुएशन में पड़ते हैं, तो इसमें बहुत एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट जुड़ा होता है इन लोगों से. सो ये लोग बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो जहाँ पे फंड्स वो लोग कलेक्ट करते हैं उन लोगों का वो इनवॉइस वगैरह वो लोग ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं. जब वो लोग जाते हैं लोगों को खाना वगैरह देना, वो सब वो अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हैं और सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट वे में सब कुछ प्लेस्ड ऑन अ टेबल. हर कोई देख सकता है कि इन लोगों को इतना पैसा मिला है. वो लोग प्रॉपर कैलकुलेशन देते हैं कि हमने इसमें इसमें खर्चा किया है, यहाँ तक हमको जाना पड़ा, इतना लोगों को हमने खिलाया है, और वो उन सबका एविडेंस दिखाते हैं. तो हमको इन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत भरोसा है. तो अगर ऐसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो आप मुझे उनका लिंक दे सकते हो, अगर वो ऑनलाइन कलेक्शन कर रहे हैं? मैं डिस्क्रिप्शन, हाँ, वो लोग ऑनलाइन कलेक्शन कर रहे हैं एक्चुअली. वर्ष बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करें, लेकिन कोशिश आई विल गिव यू कि वो जेन्युइन हो. जी हाँ. अब हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की. जब पॉलिटिशियंस जब सबसे ज्यादा जब वो वोट मांगने आते हैं तो वो हर बड़े इश्यू को एड्रेस करते हैं कि इस बार हम इसे ठीक कर देंगे, क्या पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि ये इश्यू भी एड्रेस किया जाता है? हर साल वो लोग आते हैं, पर ऐसा मतलब वो लोग हमेशा बोलते हैं कि हाँ ऐसा बाढ़ होने वाला है, मतलब बाढ़ होता है हर साल यहाँ पे, हम वहाँ इसके लिए यू नो वी विल टेक प्रॉपर मेजर्स, बट इट इज नेवर डिलीवर्ड. ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप इट कैन बी सीन, अगर वो लोग अपना वर्ड जो वो लोग बोलते हैं अगर वो लोग करते तो हर साल इतने लोग नहीं मरते. इस साल 70 लोग से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं. अगर वो लोग असल में कुछ करते तो ऐसा कभी सिचुएशन हम लोग नहीं फेस करते. ओके, तो ऐसा भी हुआ होगा ना बेदाश्री की गवर्नमेंट चेंज भी हुई होंगी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी या कभी कोई लोकल पार्टी, सबका सेम रवैया है? पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट था, उसके बाद बीजेपी रिसेंटली आया है लास्ट इलेक्शंस में. तो मतलब ये जो फ्लड सिचुएशन है उसमें हमने कभी ऐसा प्रॉपर यू नो डेवलपमेंट नहीं देखा है. हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट किया है उन लोकल लेवल्स में, ये हम नहीं मना नहीं कर सकते, वो लोगों ने किया है. पर ये जो फ्लड का सिचुएशन है उसमें हमें कभी प्रॉपर यू नो ये जो
प्रॉपर मिटिगेशन को कभी डिलीवर नहीं देखते, क्योंकि हर साल लोग ऐसे मरते हैं, हर साल ऐसे फ्लड आता है और बस वो लोग रिलीव करते हैं. मतलब जब अगर ऑलरेडी द डैमेज इज डन, पीपल आर डाइंग, इफ यू डू समथिंग देन इट्स ऑफ नो यूज बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी डाइड. यू हैव टू डू समथिंग टू कंटेन इट. आपको पहले कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सब नहीं हो. आप अगर लोग 70-50 लोग मर जाने के बाद ये सब करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है. एक और जो सबसे बड़ी चीज मेरे दिमाग में है इस सिनेरियो को लेके, वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है हमारा एरिया ये वाला, उसकी क्या हालत है इस सब कंडीशन में और उनके लिए क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे सिस्टम ने? हर साल ये हमारा सबसे मेजर कंसर्न है, क्योंकि काजीरंगा जो है वो हमारा एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क में आपको मालूम होगा कि वन हॉर्न राइनो मिलता है, जो इंडिया में बस वहीं पे मिलता है. तो हमारा ये प्राइड माना जाता है, हमारा जो एनिमल रिसोर्स, जो पूरा रिसोर्सेज है, पूरा फ्लोरा और फौना, वो हमारा प्राइड माना जाता है. हर साल क्या होता है कि ये जो बाण होता है, तो काजीरंगा जो है एकदम ब्रह्मपुत्र के एकदम मिडिल में है, तो हर साल क्या होता है पूरा काजीरंगा 90% 80% फ्लडेड हो जाता है. इस बार भी 80% ऑफ काजीरंगा राइट नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग इज अंडर फ्लड्स. तो एनिमल्स वहां से उनको चला जाना पड़ता है क्योंकि दे विल हैव टू यू नो सेव देमसेल्व्स. वो लोग पूरा रास्ते में आ जाते हैं. बहुत सारा वीडियोस देखेंगे ट्विटर पे वगैरह अलग अलग यू नो साइट्स पे, कि जहाँ पे एनिमल्स जो है हाथी वगैरह सब कुछ रास्ते में आ गए हैं, तो बहुत सारा एनिमल्स मरते भी है ऐसे. उनके लिए कुछ किया हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक? हमारे वाइल्ड लाइफ तो कभी बोर्ड बना हुआ है एक. नहीं नहीं ऐसा तो हर साल होता है कि बहुत सारा यू नो एनिमल्स मरता है, पर कभी तो कुछ ऐसा प्रॉपर मेजर्स नहीं लिया गया, क्योंकि अगर प्रॉपर मेजर्स लिया होता तो वी वुड सी द रिजल्ट्स, बट वी नेवर सी इट. इस साल भी कितना सारा, इस साल जो है I'm so sorry. हाँ, 80% of काजीरंगा एंड पोबितरा वाइल्ड लाइफ, इट्स नॉट जस्ट काजीरंगा, असम में बहुत सारा अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. पोबितरा इज अंडर वाटर. हर जगह अभी तक 5 राइनो मर चुके हैं, वन हॉर्न राइनो जिसको हम अपना प्राइड मानते हैं, 5 मर चुके हैं. इट्स एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो उनका नंबर्स ऑलरेडी बहुत कम है. इट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन. हर साल अगर ऐसे फ्लड में 5-10 ऐसे मरते रहेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू यू नो हम उनको रक्षा नहीं कर पाएंगे उनका. तो गवर्नमेंट कभी ऐसा प्रॉपर मेजर्स नहीं लेती है जिससे ये सब रुका जा सके. मतलब जो अभी काजीरंगा के अंदर जो रिलीफ सेंटर्स है वो उनमें से अराउंड 9-10 पानी के अंदर चले गए हैं. लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा. एनिमल्स दे आर लाइक रनिंग अराउंड एवरीवेयर. इट्स अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन देयर राइट नाउ. ओके, तो ये सवाल मेरा एक ये है कि आप लोगों का वाइल्ड लाइफ से जो लोकल लोग हैं उनका कैसा रिलेशन है और क्या आप लोग कभी कुछ कर पाते हैं इनके लिए? नहीं, मतलब ये एक बहुत, मतलब ये लोकल्स के हाथ में नहीं होता है ऐसा कुछ करना. लोकल्स एंड द एनिमल्स वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन हार्मनी. ऐसा कभी कभी होता है कि यू नो एनिमल्स ऐसे गांव में चले जाते हैं या फिर कुछ होता है, पर उन लोगों ने हमेशा हार्मनी में रहे. पर यू नो टेकिंग मेजर्स ऑन सच अ बिग लेवल, इट्स नॉट समथिंग लोकल्स के हाथ में नहीं होता है. ये गवर्नमेंट अगर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रॉपर कुछ करे तब कुछ किया जा सकता है, पर लोकल्स से इतना कुछ नहीं होता है एक्चुअली. ओके, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है बेदाश्री आपसे कि मेनलैंड इंडिया आपकी किसी तरह से हेल्प कर सकता है, या फिर मेरे जैसे जो लोग हैं या फिर जो लोग ये वीडियो देखेंगे, क्या कोई तरीका है वो आप लोगों की हेल्प कर सके? हाँ, एक्चुअली बहुत सारा तरीका है. आप खुद में बात कीजिए. ये मतलब लोगों का अटेंशन इसके तरफ ला, अवेयरनेस, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस. अगर आप लोगों को मालूम होगा, अगर आपको मालूम है कि ऐसा हो रहा है, आप दो और को बताइए. ऐसे छोटे छोटे जो एनजीओज है, फाउंडेशंस है, जो जेन्युइन है, उनमें 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए एक एक बूंद से सागर बनता है. तो आप जितना हो सके, छोटा हो बड़ा हो, आप डोनेट कीजिए ताकि ये लोग दो वक्त, एटलीस्ट दो वक्त का खाना खा सके. क्योंकि अभी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे. हमको मालूम है कि ये गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए उन लोगों को, पर वो नहीं हो रहा है. तो हम खुद का हाथ में जितना है बस उतना ही कर सकते हैं. तो मेरा ये अपील है लोगों को कि आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, आप लोगों से बात कीजिए, आप दो जन को बोलिए कि ऐसा हो रहा है, आप उनका अवेयरनेस क्रिएट करने का ट्राई कीजिए. आप छोटे छोटे फाउंडेशन को, ये जो मैं आपको लिंक भेजूंगी, उन फाउंडेशन पे डोनेट कीजिए जितना भी हो सके आपसे. ओके बेदासी, थैंक यू फॉर योर टाइम. अगर आपके पास कुछ और है जो शायद मैं नहीं पूछ पाया या रह गया तो आप बता सकते हैं.
हाँ, मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगी. अगर हम कल्चर के बारे में बोल रहे हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है माजुली. माजुली इज बेसिकली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. मतलब रिवर में वो सबसे बड़ा आइलैंड है. तो वो हमारा एक बहुत कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि हमारा एसमिस कल्चर का मतलब बहुत कुछ उसमें बेस्ड है. तो अभी तो हमारे पास बहुत वक्त नहीं होगा तो हम इलाबोरेटली नहीं बोल पाएंगे, बट फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि हर साल फ्लड की वजह से रिवर इरोजन, लैंड इरोजन होता है. तो पहले माजुली का जो एरिया था वो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर था, 1,200 स्क्वायर किलोमीटर था, जो अभी लैंड इरोजन के वजह से घट घट के 300 से 400 हो गया है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा पूरा लैंड मास एकदम इरोड हो गया है. तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं. तो गवर्नमेंट को आई वॉन्ट टू टेक टेक दिस मोमेंट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू दिस मैटर, क्योंकि ये हमारा कल्चर के लिए बहुत बड़ा चीज है. तो अगर वी आर नॉट एबल टू प्रिजर्व इट एंड प्रोटेक्ट इट, देन देर देर इज नो पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस. सो आई वॉन्ट जस्ट टू टेक दिस टाइम टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ पीपल टू दिस टॉपिक. ओके ओके वेदश्री, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर फिर से लगा कुछ थैंक यू जरूरी फॉर करना है या आपके पास फिर से कोई ऐसा मैसेज हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग आवर प्रॉब्लम्स इनटू एंड शेयर आवर ओन एक्सपीरियंसेस. थैंक यू वेरी मच. तो ये सिचुएशंस हैं ग्राउंड पे जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से प्रोग्राम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ छूट गया है या कुछ और ऐड करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी आप लोगों को लगता है कि कोई ज़रूरी मुद्दा है और कोई आदमी है जो इस पर अपनी सही राय रख सकता है तो आप मुझे मेल करके या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।